किसी और से स्वीकृति मांगने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। विनोद अनुपम। एक लंबा दौर रहा जब दूसरे पक्ष की बातें लोगों तक पहुंचाने का कोई जरिया ही नहीं था। हरिशंकर प्रसाद। अपनी संस्कृति से जुड़ा साहित्य हमें कई बातें सिखाता है। वेद प्रकाश। युवा वर्ग से जुड़ने के लिए हमें बहुत तेज परिवर्तन की आवश्यकता है। डॉक्टर राजीव मिश्रा। News9 Times पटना से आनंद कुमार की रिपोर्ट। आज विजय निकेतन स्थित सभागार में संस्कार भारती, यंग थिंकर सर्किल एवं अनुपम कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पुस्तक चर्चा का आयोजन किया गया। अपनी श्रृंखला के इस दूसरे कार्यक्रम में UK बेस्ड लेखक डॉक्टर राजीव मिश्रा की पुस्तक विशैला वामपंथ पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ परंपरागत दीप प्रज्वलन से हुआ। पटना महानगर संयोजक जितेंद्र चौरसिया ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों को एक एक कर मंच पर आमंत्रित किया। आगे मंच संचालन का दायित्व आनंद कुमार ने संभाला और सबसे पहले अभिजीत सिंह को दूसरे पक्ष से उठती आवाज़ों के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया। अभिजीत सिंह ने कहा कि इतिहास लेखन में सीताराम गोयल जैसे नामों की चर्चा नहीं होती। ऐसे ही हम स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी की नज़रों के पौराणिक कथाओं को देखने के बदले बाहर के लोगों ने उनके बारे में क्या बताया इस पर आश्रित रहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जाने माने कला एवं फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम ने कहा कि कुछ अभिजात लोगों के सर्टिफिकेट देने पर ही अच्छे को अच्छा माना जाए, ये व्यवस्था पिछले कुछ दशकों में बन गई है, हमें इसे तोड़ना होगा। किसी भी मुद्दे पर एक से ज़्यादा पक्ष होते ही हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के आने के बाद ही हो पाया है कि दूसरे पक्ष की बातें सुनाई देने लगी हैं। लेखक डॉक्टर राजीव मिश्रा ने अपने पुस्तक के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी पुस्तक मुख्यतः सांस्कृतिक मार्क्सवाद और उससे जुड़ी समस्याओं के विषय में बात करती है। राजनैतिक रूप से इस विचारधारा का जो असर हुआ वो तो है ही, साथ ही कला, साहित्य, फिल्म, नाटक जैसे क्षेत्रों में भी इसकी घुसपैठ से कई विकृतियाँ आ गई हैं। उन्होंने युवा वर्ग तक पहुँचने पर बल देते हुए कहा कि दुनिया कुछ वर्षों में और भी तेज़ी से बदल रही है और हमें भी इन बदलावों के साथ बदल कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि सत्ता की जिम्मेदारी लिए बिना केवल संघर्ष उत्पन्न करके नेतृत्व के जरिए ताकत बटोरने की व्यवस्था कुछ समय से बनी हुई है, उसे समाप्त करनी होगी। उसके खतरों से अगली पीढ़ियों को भी आगाह करना उनकी पुस्तक का उद्देश्य था। मुझे इस विचार पर काम करने की जरूरत नहीं, दोस्तों अपने ही समाज के लोग हैं। जो शरद भास्कर का खबर मैंने पढ़ा, अपने घर में घोर विरोधी करती है हिंदू धर्म की चीजों को लेकर के, लेकिन जो गृह प्रवेश की बारी आती है तो 9 घंटे आगे पूजा कराती है वो। अभी प्रियंका चोपड़ा राजीव जी ने पुस्तक में उल्लेख किया है, कैसे उसकी ब्रांडिंग करके अपनी बात बोलवाते हैं। हमारे सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर जरूर करें।